राधे राधे जी सारे को, आज है संडे। ते संडे को तो आपको पता है मेरा पहले तो भी बिजी डे होता है। मेरा क्या, सारी जनानिया का बिजी डे होता है। सवेरे सवेरे बनती पई है चाह, ते चाह ने लाल मैं ब्रेड गर्म कर लें, टोस्ट बना लें नॉर्मल जे। मनु हाले सुता पिया है क्योंकि संडे ये आराम नाल उठी सी, ते तो मैं चाह पी के बस आते ही अपनी फरमाइश जगह सी, मेरे को दुध बना दो, मेरे को चाह बना दो। तो मैं तो आ गई अपना रसोई च काम करने वास्ते, क्योंकि अज सवेरे सवेरे मेरे को एक बहु बुरी खबर मिली है कि मेरी सुमन राणी कहने आंदी पई। तो ये तो आपको पता ही है, ये सब तो वड्डी बुरी खबर आती है कि जो तो आपको पता लगे कि अज थोड़ी काम वाली कहनी आवनी, वह भी संडे आले दिहाड़े। मतलब संडे को एक तो उवे बहु काम आते, दूजा काम वाली ना आवे तो तुसा सोच सकते हो क्या हालत होंगी है। ते आज ये बने दे पे अपने नाश्ता खुद, क्योंकि आज ये बने दे पे अपने वास्ते आमलेट। ते जेले ये साडे घर आमलेट बनता है ना, ता कोई भी शय को हाथ नहीं ला सकते। मतलब बने दे ते इना को हर शय पा के देवनी पौंदी है, क्योंकि इना को अलाउड कह नहीं किसी होर भांडे को, किसी होर शय को हाथ लावण दा। ते अंडे वाले भांडे असा अलग रखे हुए, ते वो भांडे मलने भी इना को पौंदे, जेड़ा कि अंडे खांदा है ना। मैं खांदी हाँ ना मैं मलेनी हाँ, ना मम्मी खाते ना मम्मी मले देन। ते ए ड्यूटी है मनु दी, मैं मनु को दस देनी है किवें मलने, सरफ सुरफ पा के दे देनी है। इंदी जेड़ी सुबी साबी होंदी है वो सारा कुछ अलग रखे हो, ते भांडे धोने भी ओको पौंदे जिवने शौक नाल खाते होवे अंडे। ते मेरा ते मम्मी दा नाश्ता भी बाद च बनता है जेले रसोई पूरी तरह साफ थी बन जाए। ते जेड़े अंडे वाले भांडे ना इन्हां को भी दोबारा धो सा, ते उस तो बाद जे को साइड च रख दे सा, क्योंकि इन्हां भांडे को दोबारा यूज करना अलाउड भी कह नहीं। अज ना ये चूल्हा साडा ना बहुत दिनों तो खराब थी है भी है, जेड़ा पहले वाला अजे का मुहूर्त निकली आया बदलन का। आज संडे, तो संडे तू घर वाले को आराम करावन का तो दिन आंदा ना, कल ऐसा करिए संडे को, ये तो कोई गल कह नहीं बड़ी। फिर मैं आई, मेरे को आया कि मैं आज इन्हां दे कोल सारे घर के काम करवाए देने हैं जेडे टुटे बजे पे, तो कोई ना कोई काम मैं ढूंढ ही लेनी है। तो काम करेंदे करेंदे मेरे दिमाग च कंटेंट भी आवेंदा है। वो मेरे को कई पूछते हैं ना कि हाँ तो आपको कंटेंट किवें आते हैं कॉमेडी वाले फनी फनी कि आवन दे, मतलब दिमाग चलता ही इसी पास ना, तो फिर मेरे को आवेंदे ने। जिमें कि अज मैं वीडियो पा दी है तुहाडे वास्ते कि ये गैस साफ करेंदे पे, तो मेरे को कुछ आते पे, इवें ही मेरे दिमाग च कंटेंट भी आवेंदे ने। मैं पढ़ाई करने का भी है, तो मैं अपना काम लग गई हाँ। हूँ सुमन रैनी कहनी आँदी पई तो घर च गंद तो नहीं पियावना चाहिए ना, सफाई तो करनी है आपको करनी ही पौसी। तो मैं फटाफट झाड़ू लावन लगी हाँ, तो झाड़ू लेंदे लेंदे मैं अपना ढेर सारा और भी समेटा समाटी कर ही लेनी है, क्योंकि पता क्या होता है जल्द अपना घर हो ना तो अपना खुद तरीके नाल करीदा होता है। सुमन नानी आँदी है तो वो सारा कुछ समेटिया होया मिलता है, तो फटाफट झाड़ू पोछा ला के चली पी है, लेकिन खुद करना हो बंदा ना चार पासे हाथ मार ही लेंदा है। तो पूरे घर झाड़ू मारी है अपना पोचे, मेरे को मेरा दिल करता भी अज मैं ना ही लावा, क्योंकि घर साफ ही पी है, झाड़ू मार दी है उहा बहुए, क्योंकि मेरे एक तो हाथ स्पीड भी बहुत ज्यादा पोचा नहीं चढ़े सी गया ना, नाले कपड़े कपड़े धो रखे थे, टाइम भी थी पी है दोपहर का 2:30 भी है, हाले मेरे कपड़े धोपते पे। फिर भी मैं अंदर अंदर की सफाई कर लेनी है, बाहर दे छोड़ देनी है, क्यों बाहर किसी ने वेखना झाड़ू ला के छोड़ दी, अंदर की चंगी तरह सफाई कर दी है, कपड़े सुखेंदी भी आऊँ, तो नाल टाइम थी गया रोटी का, दोपहर की रोटी का। संडे इवें ही वेंदा है, नाश्ता खत्म थींदा तो नाले दोपहर थी वेंदी है। अज असा नवे चूल्हे का उद्घाटन किया ना, तो मैं नाल दी नाल तवे का भी उद्घाटन कर दिया, जोड़ा मैं बड़े दिन पहले का लै आऊँ तो शुरू कहना किया। तो चूल्हे के उद्घाटन वास्ते अज बनाई ना असा मिठी सेवियाँ, तो मिठी सेवियाँ बनाते पे मम्मी, क्योंकि मैं नमकीन खानी हाँ तो मेरे को नमकीन ही बनाने आती है। मम्मी मिठी खाते हैं तो मम्मी को मिठी बनाने आती है, तो कोई भी नवी शह का मुहूर्त करना हो तो मिठी शह तो करी है, तो भगवान जी का भोग भी लगता है, तो मम्मी अपना भोग भोग लगवा के असर रोटी पानी खा लीए, तो उस तो बाद मैं मलन लगी हाँ भांडे। तो आज शामी आई है मेरी जिठानी, जिठानी को भी असा सेवियां खवाई हैं, क्योंकि ये प्रसाद थी गया ना, असा चूल्हे का उद्घाटन किया मतलब मुहूर्त किया है, भगवान जी का भोग लगवाया, जेड़ी शायद भोग लगवे ने प्रसाद ही बन वेंदा है। हुण जिठानी आई है तो फिर प्रसाद खवाना बढ़ता ही ना। तो इतने ये अपना संडे है ना, तो बाहर वेंदे पे घूमन वास्ते, मनु वेंदा भी है खेडन वास्ते, तो मेरा मुँह बन गया क्योंकि मैं हुण कल्ली बह के घर च काम करा, घर अलग घर लगा गया, पुत्र लगा गया, मेरे वास्ते काम पे। फिर मैं लग गई अपने कपड़े प्रेस करन, जेड़े कि मेरे कट्ठे थी वेंदे हर रोज़ दे कपड़े। फिर मैं नाल चला ली मूवी, अपना मूवी वेख सा ते अपना कपड़े प्रेस करे सा। मेरा संडे तो इवें ही थींदा है, ते मनु आज कहंदा है कि मम्मी आज दा डिनर मैं बने सा मैगी। सो गाइस तुसा वेखदे पए हो कि आज मेरा पुत्तर राती दा डिनर बनेंदा भी है, ये काम वधिया हो गया, बाल वड्डे थी वंजे ना मां को सोखा थी वेंदा है। अज ये बनेंदा पिया मैगी, मैगी नहीं क्या बनेंदा पिया, चिंग्स चिंग्स वाली नूडल्स। ओ वेरी गुड नूडल्स, ए बहु सियाणा पुत्र है मेरा, कदे कदे बिगड़ वेंदा तो फिर मेरे को चित्तर भी खा पाता है, क्योंकि आजकल दे बाला तू चित्तर खादे बगैर कुछ काम नहीं करवा सकते। कच्ची ना खा, अजी तो तू ही में खा वैसे।
खड़ोते खड़ोते कच्ची खांदे वेला उतरिया। क्या हुआ? शर्म क्या नहीं आती तेको? नहीं। अब कट्ठी पाच आ खेड़ता खड़ोता है। एक काम करण वर दे ना बधा के आवे दिन 5 मिनट च बना देंदी 5 घंटे तो लगा खड़ोता है। प्याज मैं काट के देते हूं, पानी मैं पा के देता है, नमक मिर्च मैं पा के देते, बस इवे हिले सी देखे सी मम्मी की मैं बड़ी है, मैं स्वाद बनाई है ना। नमक मैंने डाल ले। अच्छा, पानी मैंने डाल ले। पानी मैं पाया। क्यों डाले दिया आपने मुझे? फिर डालने देते, हिलाई किसने है? आजकल दे बाल वेखो मैं मां गुद दे गल पोंदे। पानी डालने देते मुझे फिर। मनु ने कर दी आज मैगी तैयार। एक ना बहुत शौक है मैगी मूगी बनाने का, या कोई छोटा मोटा हल्की हल्की चीजा बनाने का एक शौक है। पहले मेरे को लगता है ये मास्टर शेफ बन सी, फिर इन शौक बदलते गए, फिर मेरी ना सोच भी बदलती गई। तो आज मेरी जठानी आई है ना, तो लेके आई है खीर। पापा जी खाते हैं फिक्की खीर, तो पापा जी वास्ते फिक्की खीर लेके आई है, तो बाकी लेके आई है मिठी खीर ताकि सारे खा सकें। पहले तो सारे ने खाधी है थोड़ी थोड़ी खीर, फिर लेके आए हैं आइसक्रीम, क्योंकि मनु ने मंगवाए, क्योंकि एक कितने गए हो मैं संडे के दिहाड़े, तो मनु दे ऑर्डर चाली वे दिन, या तो कुछ बारू खावन का लेके आओ, नहीं तो आइसक्रीम का लेके ही आओ। संडे आज खाली तो आवना कह नहीं, फिर मैं फटाफट पाई है सारे वास्ते आइसक्रीम। पापा जी को पा के सब तो पहले दे देती है, क्योंकि पापा जी बैठे न, पापा जी फिर समसे ना आराम ना, ते मम्मी हाली खाते नहीं, मम्मी वास्ते रख दीती है। ते मैं अपनी आइसक्रीम में पेंदी भी हाँ ड्राई फ्रूट, बिना ड्राई फ्रूट के खाने का मजा नहीं आता। बाहरों लैके आओ ना ड्राई फ्रूट वाली, उनके एक एक दाना आता है, पता ही नहीं लगता ड्राई फ्रूट वाली है कि सिंपल है। घर पा लें तो टेस्ट भी बढ़ जाता है। अज के ब्लॉग को इतने ही लेने पूर्ण विराम, तो अगू मेरी अज की राम राम। तो तुसा मेरा ये ब्लॉग वेखो जन्माष्टमी वाले दिन, ताई वास्ते मेरी तरफ तो तुहाडे पूरे परिवार दू जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। बाय बाय।